हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको आई बोल, जो डोर का आई बोल होता है या दूरबीन भी आप बोल सकते हैं, मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल पर न्यू आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो मैं आपको बैक कैमरा करके दिखाता हूँ किस हिसाब से आपको लगाना है। आप देख पा रहे हैं यह मेरा डोर आई है, रोशन रिसोन कंपनी का है। तो मैं इसको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से ओपन करना है आपको। इस प्रकार से इसका थ्रेड आता है, इस प्रकार से घुमाएंगे खुल जाएगा। और उसके बाद इसको बहुत ही सेपरेटी से दिया गया है, जैसे कि देख पा रहे हैं इसके साथ एक वाइपर दिया गया है, वाइपर में लिपटा हुआ आया है। तो इसको इस प्रकार से निकालना है। और जो ये दूरबीन देख पा रहे हैं आप, ये मेरा ओपन हो चुका है। और इसमें दो ये प्लास्टिक का फाइबर का सॉरी फाइबर ये फाइबर का दिया गया है। और जो इसका लंबाई है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 इंच है। तो 2 इंच है यहाँ से यहाँ, आपका 2 इंच दरवाज़ा होना चाहिए। अगर आपके पास 2 इंच दरवाज़ा नहीं है, उसके लिए भी एक रास्ता है। फिलहाल मैं आपको ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ये इस प्रकार से ओपन करना है, इस प्रकार से आपको ओपन करना है। ये इस प्रकार से मेरा ओपन हो गया है। और इसका जो डिग्री है 180 डिग्री का है। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देख पा रहे हैं जैसे कि ये मेरा इस साइड में बोर्ड लगा हुआ है। तो जिसको जो लगाना है, कितना हाइट पे लगाना है, मैं बताऊंगा। पूरा वीडियो को पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। जो हाइट है नीचे से आपको 5 फुट के ऊपर रखना है, और अपने हिसाब से भी आप मार्किंग कर सकते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दे रहा हूँ, 5 फीट रखना है। और इधर से इधर तक आपको सेंटर में रखना है। तो इस प्रकार से आपका सेंटर में रखना है। और देख पा रहे हैं ये मेरा 25 mm का तिलचुल बीट है, और इसको हॉल मारना है। ये इस प्रकार से ये मार्किंग हो चुका है, और इस प्रकार से आपको हॉल मारना है। आपको मेन फ्रंट से भी मारना है और बैक फ्रंट से भी मारना है, ताकि इसका पापड़ी जो होता है तो वो उखड़े ना, ताकि इसका पेंट या आप सनमेका लगाते हो या बिनियर लगाते हो तो उसका उखड़े ना। आपको इस प्रकार से भी इधर से मारना है। तो जैसे कि देख पा रहे हैं ये मेरा होल हो चुका है। और इसको कसना किस प्रकार से है, तो उसके बाद ये मेरा जो, तो फिर आपको डोराई इस प्रकार से लगाना है। ये आपका सामने में इस प्रकार से लगेगा, और मैं आपको बैक करके दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको कसना है। जैसे कि आपका दरवाज़ा कम स्पेस हो तो आप पीछे में ये जो मेरा 12 mm का पलाई है, आप इस प्रकार से भी कस सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कसना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये मेरा फिटिंग हो चुका है, और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ किस प्रकार से आपको देखने में लगेगा। देखिए ये इस प्रकार से देखने में आपको लगेगा। ये मेरा 180 डिग्री का व्यू, मतलब 180 डिग्री के हिसाब से आपको दिखाएगा। और इस प्रकार से सामने फ्रंट में देख सकते हैं आप, सामने में आपका इस प्रकार से देखने में लगेगा। आपको क्लियरली दिख जा रहा है कि कौन सा आदमी मेरा बाहर में है, आप इस प्रकार से देख सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और आपका कोई सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारा कमेंट आया था कि जो मैंने डोर लॉक लगाया था तो किस हिसाब से कितना हाइट पर रहेगा दूरबीन, तो मैं इस वीडियो में पूरा बता चुका हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।